नमस्कार मित्रों, हूँ प्रकाश चौधरी पीसी मैथ्स मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सर्वनु स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज आप धोरण दस वास्तविक संख्याओं प्रकरण की अंदर स्वाध्याय 1.4 नो छेल्लो दाखलो एक्जाम्पल नंबर 3 जोईशु। जो मित्रों, अगाउना जो दाखला अथवा आ चेप्टरन पहले थी तमारे अभ्यास करो तो अँ आई बटन पर क्लिक करो, जेथी तमने प्रथम विडियो थी तेना बधा ज विडियो नी लिंक मळी रहेशे। तो चलो मित्रों, स्टार्ट करीए आपणे एक्जाम्पल नंबर 3। अँ रकम वाँचो तो जरा, नीचेनी वास्तविक संख्याओनू दशांश निरूपण दर्शावेल छे, दरेक माटे जणाओ के ते सममित संख्या छे के नहीं। आपणे ए नक्की करवानुं छे कि आपेल संख्या सममित छे के नहीं, अने सममित होय तो एने पी बाय क्यू स्वरूपमां क्यूना एटले के जे क्यू छेद छे ए छेदना अविभाज्य अवयव विशे शुं कही शकाय तेना विशे जणाववानुं छे। तो मित्रों, प्रथम रकम छे के 43.1234567891। अहीं जो अहींया प्रोसेस पूरी थई गई छे, आग कोई संख्या रिपीटेशन थत नहीं। तो आ दशांश केव मित्रों, एट्ले अँ आज के दशांश केव मैसे शांत दशांश मैसे मित्रों, अने शांत दशांश से तो एन अर्थ कि संख्या केवी से समय संख्या से, केवी संख्या से समय संख्या से, बराबर मित्रों। तो हमें आ संख्या पी बाय क्यू विषे आप शू कही, तो कि अँ क्यू हे तो क्यू ए बे नी एम कात अने पांचनी एन घातना अवयव स्वरूपे हो, एटले के एना अविभाज्य जे अवयव छे ए बे अने पांचना बे होय अथवा पांच होय अथवा बे के पांचना गुणक स्वरूपे होई शके छे, एटले के 2:m×5:n ना स्वरूपमां होई शके। हा मित्रों, एना पछीनो जे बीजो प्रश्न छे, 0.12012001230 1240। तो अहीं शुं थाय छे, जीरोनी संख्या क्रमशः वधती जाय छे, बराबर, एटले के अहीं चोक्कस संख्यानुं पुनरावर्तन थतुं नथी अने प्रक्रिया पाछी 3 टपका अहीं आपेला छे एटले अनंत सुधी चाले छे। तो आ केवो दशांश छे के अनंत प्रक्रिया छे अने पुनरावर्तन थतुं नथी, एटले केवुं छे अनावृत। तो अनंत अनावृत दशांश छे, अने अनंत अनावृत दशांश होय एटले केवी संख्या कहेवाय, असमी कहवाय, कई कहवाय, असमी, एटले के अहींया समय नथी आ। त्यार पछी 43मो प्रश्न, सॉरी त्रीजा नंबर नो प्रश्न, जेमां 43.1235678 एनी उपर लीटी दोरेली छे, एटले के 12 निशानी छे, 12 छे। तो एनो अर्थ के आ जे संख्याओ छे एनुं शुं थाय छे, क्रमशः पुनरावर्तन थाय छे अने प्रक्रिया अनंत सुधी चाले छे, एटले के आ जे दशांश छे केवो छे, अनंत आवृत दशांश छे, अने अनंत आवृत दशांश होय तो ए कई संख्या कहेवाय, समय संख्या क्या। तो मित्रों, आ समय संख्या एने जे पी बाय क्यू स्वरूप में लखी है तो एना क्यू जे छे एना अविभाज्य अवयव क्या छे, तो के बे के पांच के बे पांच सिवायना सिवायनी कोई त्रीजी अविभाज्य संख्या पण गुणायेली हशे, सिवायनी कोई अविभाज्य संख्या गुणायेली हशे, बराबर। जो बे के पांच एना स्वरूप में हो तो आपणे सीधू एनु आ रीते शांत दशांश मेळवी शकीए छीए, पण बे के पांच सिवायनी कोई अविभाज्य संख्या होय तो एनु जे दशांश है केवुं मळशे, अनंत आवृत दशांश मळशे। तो मित्रों, आशा राखुं छुं कि आजना विडियो में ख्याल आई गयो छे। अने मित्रों, आपणे अहींया धोरण 10 नुं वास्तविक जे संख्याओ छे ए प्रकरण अहींया पूरुं थाय छे। मित्रों, आ प्रकरणनो आपणे 3 કે 4 दिवस पछी एकाद आपणे टेस्ट राखीशुं, अने जे टेस्टनी हूँ આગળ આપણે જે નવું પ્રકરણ ચાલુ કરવાના છીએ, ત્રિકોણ જે આપની ફરમાઈશ હતી ત્રિકોણ ચાલુ કરવાનો, તો ત્રિકોણ ચેપ્ટર હવે આપણે ચાલુ કરીશું પરમ દિવસથી, અને એ જ એના જ ક્યારેક કોઈ એક વિડીયોની અંદર હું તમને આના ટેસ્ટની એક લિંક આપી દઈશ, જ્યાંથી આપ ટેસ્ટ મેળવી અને ટેસ્ટ આપી શકશો, અને ત્યારબાદ એ ટેસ્ટનું સોલ્યુશન પણ હું આપણી ચેનલ પર રજૂ કરીશ। ઓકે, ત્યાં સુધી આપની રજા લઉં છું, થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત।